सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं सबको एक साथ आपको कॉन्क्लूड कर दूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे डायरेक्टली देखना है। पीरियड निकालने के लिए ये वाला पोजीशन तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन जो ये रेशियो निकालना है, आपको बार बार रेशियो निकालने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रेशनल लेना है नहीं लेना है। मैं सीधे आपको सिखा दूंगा, देख के बताना कि पीरियोडिक है कि नहीं है। पीरियोडिक हो गया तब आपको ये वाला पोर्शन करना पड़ेगा, सारे ओमेगा वन लिखो, ओमेगा टू, ओमेगा थ्री, उसके बाद हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, वो फंडामेंटल ओमेगा नॉट हो जाएगा, देन टाइम पीरियड फाइन करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 3 sin 2π/3 टी प्लस कॉस ऑफ 5π t प्लस ए साइन ऑफ 2π/9 t प्लस 5/2। ये जैसे सिग्नल गिवन है, नॉर्मली 3 सिग्नल का समेशन रहता है, 4 बहुत रेयर है और इन जनरल 2 का रहता है। और इसमें कोई मैं डीसी टर्म दे दूं, सपोज डीसी टर्म सम 2 प्लस, तो डीसी टर्म के ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता पीरियोडिसिटी पे। बाकी विषयों से आपको देखना होगा कि पीरियोडिक है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका ओमेगा वन लिखते हैं, ओमेगा वन इज इक्वल टू 2π/3, ओमेगा टू कितना है यहाँ से 5π t का कोफिशियंट, एंड ओमेगा थ्री इज इक्वल टू नथिंग बट 2π/9। अब एक चीज आप ध्यान देखो, मैंने कहा जितने रेशियोज पॉसिबल हैं, ओमेगा वन बाई ओमेगा टू, ओमेगा टू बाई ओमेगा थ्री, ओमेगा थ्री बाई ओमेगा वन निकालो या ओमेगा वन बाई ओमेगा थ्री निकालो, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता, चाहे ओमेगा वन बाई ओमेगा टू निकालो चाहे ओमेगा टू बाई ओमेगा वन। अगर एक रेशनल होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली रेशनल होगा ही होगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे सारे ओमेगाज में किसी ओमेगा में पाई नहीं था, ठीक है, किसी भी ओमेगा में पाई नहीं था, ये ओवरऑल पीरियोडिक आया था। यहाँ सारे ओमेगाज में देखो क्या है, पाई है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, याद रखना। तो जब भी रेशियो निकालोगे ओमेगा वन बाई ओमेगा टू, यहां से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो ए बाई बी बचेगा रेशनल फॉर्म। इसको बाई इसको करोगे पाई फिर से कैंसिल रेशनल फॉर्म, दिस बाई दिस करोगे फिर से पाई पाई कैंसिल रेशनल, तो ओवरऑल ये पीरियोडिक आएगा। तो अब एक चीज याद रखो, सिंपली कैसे देख के तुम्हें बताना है कि ओवरऑल सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं है, सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले वाले ओमेगा को देखो, अगर उसमें पाई आया हुआ है, जो ओमेगा है उसका कोफिशियंट में पाई है, तो बाकी सारे को देखो, अगर सब में पाई मौजूद है तभी वो पीरियोडिक होगा, अगर किसी एक में भी पाई नहीं है, पाई मिसिंग है, जैसे मैं यहां कर देता 2/9 तो ये ए पीरियोडिक हो जाता सीधे सीधे, क्योंकि ये वाला रेशियो पाई के फॉर्म में आता जब करते तुम ओमेगा वन बाई ओमेगा थ्री, तो ये आपका आता क्या 18π/6। पाई इज रेशनल, अगर इसको बदलोगे तो 3π, पाई इज इरेशनल नंबर, तो ओमेगा वन बाई ओमेगा थ्री इरेशनल, तो एक भी रेशियो इरेशनल आ गया, ओवरऑल सिग्नल विल बी ए पीरियोडिक सिग्नल या नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो पहले वाले ओमेगा को देखो, अगर उसमें पाई आया हुआ है तो सब में पाई आना चाहिए तभी वो पीरियोडिक होगा, कहीं एक भी जगह पाई मिसिंग है किसी एक ओमेगा में या बाकी एक या एक से ज्यादा में, तो वो ए पीरियोडिक होगा। अगर पहले वाले ओमेगा को देखा उसमें पाई मिसिंग है तो बाकी हर जगह पाई मिसिंग होना चाहिए तभी पीरियोडिक होगा, अगर कहीं एक भी पाई आ गया, जैसे यहां अगर ये पाई कर देता मैं, ये पाई कर देता, तो ये वाला रेशियो जब निकालते या ओमेगा वन बाई ओमेगा टू निकालते तो कितना आ जाता आपका 4/ आपका आता 2/2π/3, 6/2π, या इसी को मैं लिख सकता था 3/π, एंड पाई इज अ इरेशनल नंबर, चाहे पाई आए चाहे 1/π, दोनों कैसे नंबर है इरेशनल, तो ये कैसा हो जाता ए पीरियोडिक। तो सिंपली देख के कैसे बताना है, पहले वाले ओमेगा को चेक करो, वहां पाई दिख गया कोफिशिएंट, 2/3π है, 2π/3 है या 1π/2 है, उससे कोई मतलब नहीं, पाई आ गया बस वो देखना है, 2π/3 हो चाहे वो केवल पाई हो चाहे 3π/7 हो, उससे कोई मतलब नहीं, अगर उसमें पाई आ गया तो बाकी हर ओमेगा में पाई आएगा तभी पीरियोडिक होगा, अगर पहले वाले ओमेगा में पाई नहीं है तो हर ओमेगा में पाई नहीं होगा तभी पीरियोडिक हो सकता है, अगर किसी एक में भी आ गया एटलीस्ट तो वो क्या हो जाएगा ए पीरियोडिक सिग्नल, तो वहाँ पीरियड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी या फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे सब में देखो पाई था इसलिए पीरियोडिक होगा ही होगा, किसी एक में पाई मिसिंग होता तो ए पीरियोडिक हो जाता है ना, सिंपली। तो अब मैं ओवरऑल टाइम पीरियड फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, 2π/3, 5π/1 एंड 2π/9। मैं पहले ओवरऑल ओमेगा निकाल लेता हूँ, ओमेगा नॉट, हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस,
न्यूमरेटर का हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है। डिनोमिनेटर का क्या होगा, एलसीएम 3 इंटू 1, 1 इंटू 1, 3 इंटू 3, तो यहां से 3 3 क्या है कॉमन है, तो आपका आ जाएगा क्या 9। एलसीएम आप निकालोगे तो पाई बाई 9 टाइम पीरियड टी नॉट कितना होगा, 2 पाई बाई 9 आ जाएगा 18। आप टाइम पीरियड से करके देखना, इसका टाइम पीरियड यही आएगा। तो डीसी टर्म के ऐड करने से पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कैसे बता सकते हो, पहला ओमेगा देखो, अगर उसमें पाई आया हुआ है, 2/3 पाई है या कुछ भी है, पाई अगर आ गया है उसके साथ कोफिशियंट कुछ भी है ओमेगा में, तो बाकी हर जगह पाई होगा तभी पीरियोडिक होगा, एक भी जगह मिसिंग है तो ए पीरियोडिक। अगर पहले वाले में पाई नहीं है तो बाकी हर जगह पाई नहीं होगा तभी पीरियोडिक होगा, अदरवाइज ए पीरियोडिक। तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि इंडिविजुअली सिग्नल बहुत सारे पीरियोडिक हैं, ये भी पीरियोडिक है, ये 2π/3 ले लिया तब भी ये पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, इसका टाइम पीरियड कुछ और है, इसका टाइम कुछ और, लेकिन ओवरऑल समेशन यहाँ पीरियोडिक है लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा ए पीरियोडिक। मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, समेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स, कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल मे बी पीरियोडिक आर मे नॉट बी पीरियोडिक। कब पीरियोडिक होगा, जब सारे रेशियोज ओमेगा 1/ω2, ω2/ω3, या आप टी से लेते हो तो T1/T2, T2/T3, जितने रेशियोज पॉसिबल हैं सारे रेशनल होंगे तभी पीरियोडिक होगा, अदरवाइज क्या होगा ए पीरियोडिक। तो हमेशा समेशन ऑफ पीरियोडिक कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल जरूरी नहीं कि पीरियोडिक ही होगा, पीरियोडिक हो भी सकता है और पीरियोडिक नहीं भी हो सकता है। मैंने डायरेक्टली देखना आपको बता दिया, अगर पीरियोडिक है तो कैसे ओमेगा मैं सीधे फाइंड करूंगा, क्योंकि मुझे ओमेगा सीधे लिखने आता है, क्योंकि टी का कोफिशियंट ओमेगा होता है, सीधे वहां से ओमेगा लिखा, हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर से ओवरऑल ओमेगा निकला, ओमेगा नॉट निकल गया तो 2π/ω0 से टाइम पीरियड निकल गया आपका सीधे सीधे, ठीक है। अगर यही टाइम लेते हो तो पहले यहाँ T1 लेते, यहाँ T2 लेते, यहाँ T2 T3 लेते 2π/ω से, फिर T1 T2 T3 का रेशियो निकालते, अगर रेशनल आता तो आपका आ जाता कि ये कैसा है पीरियोडिक है, रेशनल आता तो फिर T1 T2 T3 से ओवरऑल टाइम पीरियड कैसे आता, T1 T2 T3 का एलसीएम लेना पड़ता। और रेशियोज के केस में मैंने बताया, अगर कोई रेशियो है, अगर इसका हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर लेना है तो न्यूमरेटर का हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर, डिनोमिनेटर का एलसीएम, अगर इसका एलसीएम लेना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम लो, डिनोमिनेटर का क्या लोगे उल्टा लोगे, एससीएफ लोगे सिंपली, ठीक है। मैं हमेशा ओमेगा से डील करूंगा। अब अगर आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ गया, वहां भी पीरियोडिक सिग्नल हो सकता है, वो थोड़ा सा स्पेशल केस है। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में पढ़ते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जितने नंबर आप सैंपल, अगर मैं कहूं xn एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है विच इज पीरियोडिक इन नेचर, तो कितने नंबर आप सैंपल के बाद वो रिपीट करेगा। जैसे मैंने एक सिग्नल ले लिया, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये हर जगह क्या है 1 1 1 है यहाँ पे भी, तो अगर ध्यान से लो ये n=0 पे सैंपल है, ये रिपीट कर दिया n=1 पे, n=1 वाला सैंपल फिर से रिपीट कहाँ कर दिया n=2 पे, तो ये कितने सैंपल बाद रिपीट कर रहा है, 1 सैंपल बाद रिपीट कर रहा है, ये कैसा सिग्नल हो गया पीरियोडिक सिग्नल हो गया। अब अगर यही मैं इस तरह से ले लेता, जीरो यहाँ पे 0 हो जाता, 2 पे हो जाता 1, फिर 3 पे 0 हो जाता, फिर क्या हो जाता 4 पे क्या हो जाता आपका 1, इसी तरह से यहाँ पे 0 हो जाता -1 पे, -1 पे आपका 0 हो जाता, -2 पे क्या हो जाता 1, -3 पे 0 हो जाता, -4 पे 1 हो जाता, तो ये भी कैसा सिग्नल है पीरियोडिक, 0 पे 0 है, 0 पे 1 है, फिर 1 पे 0 है, और यही चीज़ देखो बार बार रिपीट कर रही है, n=2 पे 0 वाला सैंपल रिपीट किया और 1 वाला सैंपल कहाँ रिपीट किया 3 पे रिपीट किया, ये 0 है एम्पलीट्यूड, ये 0.3 है। तो आफ्टर हाउ मेनी सैंपल्स दिस इज रिपीटिंग इट सेल्फ इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो अगर आप बात करोगे टाइम पीरियड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की, तो वहाँ वो कुछ भी हो सकता था, कोई रेशनल नंबर भी हो सकता था, कोई इरेशनल नंबर भी हो सकता था, और कोई भी क्या हो सकता था आपके पास इंटीजर नंबर भी हो सकता था टाइम पीरियड। लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जो टाइम पीरियड होगा, अगर वो सिग्नल पीरियोडिक है तो हमेशा कैसा नंबर आएगा, बाई डिफ़ॉल्ट वो हमेशा क्या होगा इंटीजर ही होगा, बाई डिफ़ॉल्ट वो क्या होगा हमेशा इंटीजर ही होगा। कितने सैंपल के बाद वो रिपीट कर रहा है, ये n=0 और n=1 पे सैंपल्स हैं, यही दो सैंपल फिर रिपीट किए, यही दो सैंपल फिर रिपीट किए, यही दो सैंपल फिर रिपीट किए, तो ये दो सैंपल कॉमन है, यही बार बार क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ टाइम पीरियड अगर मुझे बताना हो तो ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा n=2, उसको कैपिटल n से रिप्रेजेंट करते हैं 2।
तो हमेशा टाइम पीरियड ऑफ ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल विल ऑलवेज बी क्या इंटीजर नंबर. आफ्टर हाउ मेनी सैंपल्स द सिग्नल इज रिपीटिंग इट सेल्फ इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. अब जैसे आपने साइन ओमेगा नॉट टी लिया, कॉस ओमेगा नॉट टी लिया, ये सब सिग्नल लिए, ये हमेशा कंटिन्यूअस टाइम साइनोसाइडल सिग्नल, कंटिन्यूअस टाइम कोसाइनोसाइडल सिग्नल ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, ये हमेशा पीरियोडिक होते हैं और इनका टाइम पीरियड कितना होता है 2π/ω0. इनका समेशन पीरियोडिक हो भी सकता है और पीरियोडिक नहीं भी हो सकता, वो अलग चीज़ है, लेकिन इंडिविजुअली दे ऑल आर पीरियोडिक सिग्नल इन नेचर. अब इसी तरह से अगर मैं साइन ओमेगा नॉट एन की बात करूँ, डिस्क्रीट कोसाइन सिग्नल, और ये बात करूँ, अब देखो ये बड़ा स्पेशल केस है. साइन ओमेगा नॉट टी तो हमेशा पीरियोडिक होगा विद टाइम पीरियड 2π/ω0. कास ओमेगा नॉट टी विल ऑलवेज बी पीरियोडिक विद टाइम पीरियड 2π/ω0. ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी विल ऑलवेज बी पीरियोडिक विद टाइम पीरियड 2π/ω0. लेकिन डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जरूरी नहीं है कि साइन ओमेगा नॉट एन है तो पीरियोडिक ही होगा, कास ओमेगा नॉट एन है तो पीरियोडिक ही होगा, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन है तो पीरियोडिक ही होगा. यहाँ कैसे चेक करेंगे? ओमेगा नॉट तो हमेशा क्या होगा, एन का कोफिशियंट, जैसे वहाँ टी का होता था. अगर यहाँ पे टी का, यहाँ पे एन का कोफिशियंट, ठीक है, अगर 2π/ω0 निकालो, अगर 2π/ω0 रेशनल आ गया, 2π/ω0 रेशनल आ गया, तभी साइन ओमेगा नॉट एन, तभी कास ओमेगा नॉट एन, तभी ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन क्या होगा, पीरियोडिक होगा. अगर ये इरेशनल आ गया, इरेशनल कब आएगा, जब पाई बच जाएगा, 2π/ω0 निकालने के बाद अगर पाई रह गया तो पाई इज अ इरेशनल नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, ए पीरियोडिक सिग्नल होगा. मतलब साइन ओमेगा नॉट एन, कास ओमेगा नॉट एन और ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन विल नॉट ऑलवेज बी पीरियोडिक, दे विल बी पीरियोडिक ओनली इफ द 2π/ω0 रेशियो विल बी रेशनल. अब अगर ध्यान से देखो, जैसे मैं लिख दूं कास 2n, कास 3n, कास 1/2n, कास π/2n, साइन π/4n, ठीक है. अब ध्यान से देखो कैसे, आप देख के बता सकते हो, यहां पे भी दिखाता हूं आपको. इन तीनों सिग्नल को अगर ध्यान से देखो, इसमें ओमेगा क्या है, 2 है, तो 2π/2 कितना आएगा, पाई, इरेशनल है, तो ये कैसा हो गया, ए पीरियोडिक सिग्नल. इस केस में कास 3n में रेशियो इज 2π/3, इट इज ऑल्सो इरेशनल, 2π/3 इज रेशनल बट पाई इज इरेशनल, तो ओवरऑल इज इरेशनल. इसका रेशियो निकालोगे तो आएगा 4π, इट इज ऑल्सो इरेशनल. तो ये सारे क्या हैं, इरेशनल. लेकिन कास पाई बाई 2n में देखो ध्यान से, 2π/π/2 करोगे कितना आ जाएगा, 4, इट इज अ रेशनल नंबर, ये क्या आ गया, रेशनल है, ठीक है. साइन π/4n करो, π/4n, ये क्या आ जाएगा, 2π/π/4 कितना आ जाएगा, इस केस में ओमेगा 2π/ω0 क्या आएगा, 8, इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर. इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता था, कास ऑफ 3π/2n, यहाँ पे भी देखो रेशियो निकालो, 2π/3π/2, तो क्या आ जाएगा, 4/3, इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर. तो आप ध्यान से अगर देखो, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में अगर ओमेगा पाई के फॉर्म में होगा, जैसे π/2 होगा, π/4 होगा, 3π/2 होगा, तभी 2π/ω0 रेशनल आएगा. क्यों? क्योंकि पाई पाई क्या हो जाएगा, तभी कैंसिल होगा. तो पाई पाई जब कैंसिल होगा तभी रेशनल आएगा, तभी वो क्या होगा, पीरियोडिक. जहां ओमेगा क्या आ गया, पाई के फॉर्म में नहीं आया, 2 आ गया, 1/2, 3, तो 2π/सम इंटीजर आर रेशनल नंबर विल ऑलवेज बी इरेशनल, क्योंकि वहाँ पाई पाई से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हमेशा इरेशनल आएगा और हमेशा क्या होगा, ए पीरियोडिक होगा. तो ये देख के बता सकते हो, अगर ओमेगा यहाँ पे क्या आ गया, कोई इंटीजर नंबर या कोई रेशनल नंबर पाई के फॉर्म में नहीं है, तो ये सारे कैसे होंगे, ए पीरियोडिक. अगर ओमेगा पाई के फॉर्म में होगा, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3π/2, तो ये रेशियो 2π/ω नॉट रेशनल होगा, और उस केस में क्या होगा, सिग्नल पीरियोडिक. लेकिन पीरियड हमेशा क्या होगा, वहां तो अगर ओमेगा नॉट आपको पता होता था, कास ओमेगा नॉट टी में पीरियड बाय डिफॉल्ट 2π/ω0 नॉट होता था, लेकिन यहां पे 2π/ω0 नॉट जैसे आपने यहां निकाला, कितना आया, 4/3. क्या 4/3 पीरियड हो सकता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में? नहीं हो सकता, वहां हमेशा क्या होगा, इंटीजर. तो टाइम, जैसे रेशियो 2π/ω0 क्या आ गया, रेशनल आ गया, तो मैं कहूंगा सिग्नल पीरियोडिक है. तो पीरियड कैसे निकालेंगे, एन इज इक्वल्स टू जो रेशियो है 2π/ω0 उसको मल्टीप्लाई कर दो एम से, वेर एम इज ए इंटीजर वैल्यू. अभी कैसे निकालेंगे पीरियड, 2π/ω0 की वैल्यू लिखो, 4/3,
m एक इंटीजर है, m को 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कोई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ले सकते हो, राइट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तो जाएगा नहीं, वैसे फाइनाइट ही होगा। तो m ऐसा इंटीजर चूज करो, इतना स्मॉल इंटीजर चूज करो कि जो ये प्रोडक्ट है वो एक इंटीजर वैल्यू आ जाए, उसी इंटीजर वैल्यू को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड n ऑफ दिस सिग्नल cos 3π/2n। तो m इंटीजर चूज करो इस तरह से, इसकी सबसे स्मॉल वैल्यू चूज करो इस तरह से कि ये ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आ जाए इंटीजर। तो m की 1 वैल्यू लोगे तो इंटीजर नहीं आएगा, 4/3 × 1 इज नॉट ए इंटीजर वैल्यू, 2 लोगे तो भी 8/3, m की जैसे वैल्यू 3 लोगे, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 3, ये ओवरऑल क्या आ जाएगा 4, टाइम पीरियड n क्या हो जाएगा 4। m की वैल्यू अगर आप 6 लेते तो भी ये प्रोडक्ट इंटीजर आता, लेकिन वो स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होता, 6 के लिए ये वैल्यू क्या हो जाती, 8 हो जाती। तो उसको वो पीरियड तो होगा 8, क्योंकि 4 पीरियड है, तो इसका इंटीजर मल्टीपल अभी भी क्या होगा, इसका टाइम पीरियड होगा, लेकिन वो टाइम पीरियड फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं होगा। m की स्मॉलेस्ट वैल्यू इस तरह से चूज करो इंटीजर वैल्यू, ताकि ये प्रोडक्ट क्या आ जाए, ओवरऑल एक इंटीजर आ जाए, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल कास ओमेगा नॉट एन। तो 2π/ω0 रेशनल आया मल्टीप्लाइड बाय m, m एक इंटीजर चूज करते जाओ, 1 से बढ़ाते जाओ, m की जो पहली वैल्यू आएगी जिसके लिए ये प्रोडक्ट इंटीजर आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो अगर समेशन आए पीरियोडिक सिग्नल किस डोमेन में, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में। जैसे मैं लिखूं एक FN सिग्नल है, कांस्टेंट टर्म तो कोई मतलब ही नहीं है, वो पीरियोडिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। मैं लिख दूं cos पाई बाई 2n एंड sin ऑफ 3 sin ऑफ 4π/3n प्लस समथिंग लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, फेस शिफ्ट से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम हमेशा ओमेगा नॉट देखते हैं, n का कोफिशियंट या t का कोफिशियंट। ठीक है, तो हमें अब मैं कहूँ एक ए पीरियोडिक सिग्नल है और एक पीरियोडिक सिग्नल है, तो उसका समेशन हमेशा क्या होता है, ए पीरियोडिक ही होता है, डीसी टर्म को छोड़ के। जैसे मैं एक लिख दूं, एक सिग्नल FN इज इक्वल टू UT प्लस साइन ओमेगा नॉट टी, अगर लिखता मैं तो ए पीरियोडिक सिग्नल अगर कोई आ गया उसके साथ पीरियोडिक सिग्नल हो गया, एक सिग्नल भी ए पीरियोडिक आ गया, तो ओवरऑल समेशन हमेशा क्या होगा, ए पीरियोडिक ही होगा। पीरियोडिक सिग्नल का समेशन करोगे तो ए पीरियोडिक भी हो सकता है कंटिन्यूअस डोमेन में और पीरियोडिक, लेकिन ए पीरियोडिक एक को ले लिया तो डेफिनेटली वो क्या होगा, ए पीरियोडिक। डीसी टर्म इफेक्ट नहीं करता पीरियोडिसिटी पे, तो डीसी टर्म को ये नहीं मानोगे कि वो भी तो ए पीरियोडिक है, डीसी टर्म स्पेशल केस है। ठीक है, इसी तरह से अगर डिस्क्रीट टाइम डोमेन में भी मैं आऊंगा, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में भी, तो एक भी सिग्नल अगर ए पीरियोडिक हो गया तो ओवरऑल समेशन हमेशा क्या होगा, ए पीरियोडिक ही होगा। तो मुझे पहले ये चेक करना होगा कि इंडिविजुअल सिग्नल्स पीरियोडिक हैं कि नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट टाइम डोमेन में कास और साइन भी ए पीरियोडिक होते हैं, वो पीरियोडिक तभी होते हैं जब 2π/ω0 रेशनल आता है, और 2π/ω0 तभी रेशनल आ सकता है कब, जब जो ओमेगा है डिस्क्रीट टाइम डोमेन में वो हमेशा किसका फंक्शन हो, पाई का फंक्शन, तभी पाई पाई कैंसिल होगा, तभी जाके वो क्या आएगा, रेशनल। तो यहाँ देखो, यहाँ भी पाई का फंक्शन है, यहाँ भी पाई का, मतलब ये दोनों इंडिविजुअली कैसे हैं, पीरियोडिक हैं, ये दोनों इंडिविजुअली पीरियोडिक हैं। यहीं अगर मैं ये ले लेता 1/2n तो ये वाला तो पीरियोडिक है क्योंकि 2π/4π/3 रेशनल आएगा, लेकिन 2π/1/2 कैसा आ जाएगा, इरेशनल आएगा। तो ये वाला ए पीरियोडिक हो गया, ए पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक विल ऑलवेज बी ए पीरियोडिक सिग्नल। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे मैं देख के बता देता कि सिग्नल कैसा है, ए पीरियोडिक, लेकिन जब मैंने पहला जो केस लिया था, इस केस में ये भी पीरियोडिक दिख रहा है, इस केस में ये भी पीरियोडिक दिख रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, दोनों का ओवरऑल क्या निकालना पड़ेगा, टाइम पीरियड। दोनों का ओवरऑल क्या निकालना पड़ेगा आपको, टाइम पीरियड। यहाँ पे क्या आया, पाई बाई 2 आया, यहाँ पे क्या आया, 4π/3। ठीक है, क्लियरली, या तो हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर से निकालो या आप टाइम पीरियड n से निकालो, दोनों बातें सेम है, लेकिन मैं यहाँ टाइम पीरियड से निकालने जा रहा हूँ ताकि मैं आपको टाइम पीरियड निकालना भी सिखा दूँ। किस केस में, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में। तो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जो इंडिविजुअल साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल सिग्नल होते हैं वो पीरियोडिक भी हो सकते हैं, वो ए पीरियोडिक, जबकि कंटिन्यूअस डोमेन में वो हमेशा पीरियोडिक होते हैं, इसलिए ओवरऑल हम समेशन को चेक करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल पहले साइन और कोसाइन को भी देखना पड़ेगा कि वो पीरियोडिक है कि नहीं, और मैंने कहा कैसे देखना है, अगर ओमेगा पाई का फंक्शन है तभी वो पीरियोडिक होंगे, अगर पाई का फंक्शन नहीं है तो ए पीरियोडिक होगा, क्योंकि तब 2π/ω0, ओमेगा अगर
पाई का फंक्शन नहीं है तो इरेशनल आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका पीरियड एन वन कितना होगा, 2π/ω0 पहले निकालो मल्टीप्लाइड बाई सम एम, ये कितना आ गया 4 × m, m की स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 ले लो, ये n कितना आ जाएगा 4, n2 निकालो कितना आएगा 2π/4π/3 × क्या m, ये रेशियो आएगा अगर सॉल्व करोगे 3/2 × m, m की स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके लिए ये ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आ जाए इंटीजर आ जाए, m की 1 लोगे तो इंटीजर नहीं आएगा, m की स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 लोगे तो ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इंटीजर। तो n1 आ गया 4, n2 आ गया 3, तो ओवरऑल n क्या आएगा, टाइम पीरियड जब भी लेते हैं तो एलसीएम लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो ओवरऑल टाइम पीरियड n इज इक्वल टू 12। लेकिन यही मैं अगर पाई की जगह 1/2n कर देता, पाई हटा देता, तो ये हो जाता ए पीरियोडिक सिग्नल, क्यों, क्योंकि 2π/ω0 क्या आने लगता है इरेशनल, तो ये ए पीरियोडिक, ए पीरियोडिक में कोई भी पीरियोडिक सिग्नल ऐड करोगे वो ओवरऑल क्या आएगा ए पीरियोडिक ही आएगा। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर समेशन मैंने किया किसका, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का, अगर इंडिविजुअल सिग्नल्स पीरियोडिक हैं, क्योंकि इंडिविजुअल को साइनोसाइडल और साइनोसाइडल यहाँ ए पीरियोडिक भी हो सकते हैं जैसा मैंने डिस्कस किया, तो अगर इंडिविजुअल सिग्नल पीरियोडिक हैं तो उनका टाइम पीरियड क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम डोमेन में अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक है तो उसका पीरियड हमेशा क्या होगा इंटीजर। तो अगर सारे इंडिविजुअल सिग्नल्स पीरियोडिक हैं तो सबके टाइम पीरियड क्या होंगे इंटीजर वैल्यू होंगे, जबकि ऐसा केस पॉसिबल नहीं है डिस्क्रीट कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में, वहां पीरियड पाई का भी फंक्शन हो सकता है, पीरियड एक आपका रेशनल नंबर भी हो सकता है, पीरियड एक इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि वहां 2π/ω0 होता है टाइम पीरियड, ठीक है, ओमेगा नॉट रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, तो टाइम पीरियड रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड हमेशा इंटीजर होगा। अब अगर ये भी पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड एन वन कुछ होगा जैसे पाई बाई टू था, अगर ये भी पीरियोडिक है तो इसका भी टाइम पीरियड एन टू कुछ इंटीजर होगा। और हम कैसे चेक करते थे कि ओवरऑल समेशन पीरियोडिक है कि ये पीरियोडिक, हम रेशियोज निकालते थे या तो टाइम पीरियड का या तो किसका रेशियो निकालते थे ओमेगास का। तो अगर सारे इंडिविजुअली पीरियोडिक हैं तो सबके टाइम पीरियड इंटीजर ही होंगे, और दो इंटीजर का रेशियो हमेशा कैसा आएगा रेशनल। मतलब क्या हुआ, अगर इंडिविजुअल सिग्नल्स पीरियोडिक हैं डिस्क्रीट टाइम डोमेन में तो उनका समेशन हमेशा हमेशा पीरियोडिक होगा, जबकि ऐसा नहीं होता था किस केस में, कंटिन्यूअस डोमेन में इंडिविजुअल सिग्नल्स पीरियोडिक होते हुए भी समेशन पीरियोडिक भी हो सकता था और समेशन पीरियोडिक नहीं भी हो सकता था, रेशियो पे डिपेंड करता था। लेकिन अगर यहाँ इंडिविजुअली सिग्नल्स पीरियोडिक हैं तो पीरियड हमेशा इंटीजर होगा, और जब ऐसे सिग्नल्स को समेशन करोगे तो चेक करने के लिए कि ओवरऑल सिग्नल पीरियोडिक होगा कि नहीं, आप रेशियो ही देखते हो, n1/n2, n2/n3, n3/n4 जो भी है, सारे रेशियोज अगर सारे पीरियोडिक हैं तो सबके टाइम पीरियड इंटीजर, और किन्हीं दो इंटीजर का रेशियो हमेशा रेशनल, हमेशा रेशनल, तो ओवरऑल सिग्नल हमेशा क्या होगा पीरियोडिक। डिस्क्रीट टाइम डोमेन में सिग्नल ए पीरियोडिक तभी हो सकता है जब उनमें से एक सिग्नल कम क्या हो जाए ए पीरियोडिक। अगर सारे इंडिविजुअली पीरियोडिक हैं तो ओवरऑल समेशन हमेशा पीरियोडिक होगा, जबकि कंटिन्यूअस डोमेन में इंडिविजुअली सारे पीरियोडिक होते हुए भी समेशन ए पीरियोडिक भी हो सकता है और समेशन पीरियोडिक भी हो सकता है। और डिस्क्रीट टाइम डोमेन में एक और स्पेशल केस यहाँ देखो, जैसे मैं अगर वहाँ लेता साइन ओमेगा नॉट इंटू टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर ले लेता, ये हमेशा ए पीरियोडिक ही होगा, इसमें ऐसा कोई टी पॉसिबल नहीं है जो जनरेट कर दे साइन ओमेगा नॉट टी स्क्वायर, समेशन करके साइन ओमेगा नॉट टी स्क्वायर फिर से जनरेट कर दे, ऐसा कोई टी होगा पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लिखूं एफ एन साइन ऑफ पाई बाय 3 एन स्क्वायर, टी की जगह वहाँ टी स्क्वायर करने पे ये कैसा सिग्नल है, ए पीरियोडिक है, हमेशा होगा, यहाँ कोई टी पॉसिबल नहीं होगा जिसके लिए ये रिपीट करे। लेकिन एन स्क्वायर के केस में यहाँ पीरियोडिसिटी पॉसिबल है। देखो कैसे, अगर सिग्नल का पीरियड मैं एन मान लूँ तो एफ ऑफ एन प्लस एन क्या होना चाहिए, सिग्नल रिपीट करता है तो पीरियड के बराबर शिफ्टिंग करने पे सेम सिग्नल आ जाता है, मतलब एफ ऑफ एन प्लस एन क्या आएगा, एफ एन के बराबर आएगा, क्या होना चाहिए, देखो एन प्लस एन करो पाई बाई 3 एन प्लस एन का क्या स्क्वायर, ठीक है, एफ ऑफ पाई बाई 3 यहाँ आएगा एन स्क्वायर प्लस 2n × n + n² आएगा, ठीक है, इसको फिर से ओपन कर दो, एफ ऑफ ये साइन ऑफ है ना, साइन यहाँ पे क्या है, साइन है, ठीक है, तो साइन है पाई बाई 3 एन स्क्वायर प्लस
पाई बाई थ्री इंटू टू एन इंटू एन प्लस पाई बाई थ्री एन स्क्वायर। अगर ये पाई बाई थ्री एन स्क्वायर के बराबर आ जाए तो मैं कह दूंगा ये सिग्नल एफ एन पीरियोडिक है। तो इसका टाइम पीरियड अगर हम निकालें, ध्यान से देखो, टाइम पीरियड एन निकालते हैं, इसका टू पाई बाई ओमेगा नॉट कितना होगा, पाई बाई थ्री इंटू एम करें, सिक्स इंटू एम, एम की सबसे स्मॉल वैल्यू वन से लेते हैं, वन टू थ्री रखते हैं तो सिक्स, इसका टाइम पीरियड एन कितना है अगर ध्यान से देखें, एन इज इक्वल टू सिक्स इंटीजर वैल्यू। तो अब अगर यहाँ ध्यान से देखो, साइन ऑफ पाई, बस खत्म हो गया, फाइव बाई थ्री एन स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा टू पाई बाई थ्री एन इंटू, एन की वैल्यू रख देते हैं सिक्स इंटू एन प्लस पाई बाई थ्री इंटू सिक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई थ्री एन स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखो तीन दुना छः, फोर पाई एन प्लस, यहाँ तीन दुना छः, छः दुना बारह, ट्वेल्व पाई। साइन ट्वेल्व पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई थ्री का एन स्क्वायर, है ना, अगर मैं एन की वैल्यू सिक्स ले लूँ तो, ठीक है, पाई बाई थ्री का एन स्क्वायर प्लस फोर पाई एन, ठीक है, ट्वेल्व पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। अब यहाँ अगर ध्यान से आप देखो, एन हमेशा क्या होगा, यहाँ इंटीजर होगा, तो एन की वन वैल्यू के लिए फोर पाई, टू के लिए एट पाई, थ्री के लिए ट्वेल्व पाई, तो फोर पाई एन हमेशा क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ टू पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, एट पाई, और टू पाई प्लस थीटा, फोर पाई प्लस थीटा, सिक्स पाई प्लस थीटा, एट पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, ट्वेल्व पाई प्लस थीटा, इवन मल्टीपल अगर पाई के हैं तो दैट पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज साइन थीटा। तो यहाँ फोर पाई एन हमेशा क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ, क्योंकि एन की वैल्यू आप हमेशा इंटीजर लेते हो, जबकि टाइम डोमेन, कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में यहाँ टी होता, टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉइंट वन भी हो सकती है, पॉइंट टू भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है। तो ये कितना आ जाता है, साइन ऑफ पाई बाई थ्री इंटू एन स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। सेम सिग्नल आ गया, अगर एन को किससे रिप्लेस कर दिया, सिक्स से, तो ये क्या है, पीरियोडिक हो सकता है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू के लिए ये क्या आ गया, सेम वैल्यू जनरेट कर दिया, मतलब एफ ऑफ एन प्लस एन के लिए सेम अगर एफ एन आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि एफ एन सिग्नल क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है। तो यहाँ पे एन स्क्वायर होने पे भी पीरियोडिसिटी पॉसिबल है। यहाँ मैंने एन की एक रैंडम वैल्यू सिक्स लेके किया, क्योंकि मुझे पता था इसमें सिक्स में वो पीरियोडिक हो जाएगा, क्योंकि जो पीरियड इनिशियल था उस पीरियड से ये पीरियोडिक हो सकता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिया। जरूरी नहीं कि ये एन की वैल्यू सिक्स के लिए ही हो सकता है फोर के लिए भी ये पीरियोडिक हो जाए, हो सकता है ये थ्री के लिए भी पीरियोडिक हो जाए, वो डिपेंड करेगा आपको एक्सपेंशन देखने के बाद। क्यों, क्योंकि यहाँ टू इंटू एन इंटू एन, यहाँ एन भी इंटीजर होता है, यहाँ एन भी क्या होता है, इंटीजर होता है, एन स्क्वायर भी क्या होता है, इंटीजर, और पाई इंटू सम इंटीजर वैल्यू अगर आप करते हो, अगर पाई इंटू सम इंटीजर वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज साइन थीटा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि पाई बाई थ्री एन स्क्वायर फिर से क्या हो जाए, जनरेट हो जाए, तो ये हमेशा क्या हो सकता है, पीरियोडिक। तो साइन ओमेगा नॉट टी स्क्वायर पीरियोडिक नहीं होगा, गारंटीड है, लेकिन पाई बाई थ्री इंटू एन स्क्वायर डिस्क्रीट टाइम डोमेन में पीरियोडिक हो सकता है। वो एन की स्मॉल वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी। मैंने यहाँ बाइड एक रैंडम वैल्यू ले सिक्स लेके कर दिया, लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली ढूंढनी होती तो देखो मैं कैसे ढूंढता, इस वैल्यू को अगर ढूंढना आपको सीखना है तो देखो मैं कैसे ढूंढता, प्लस टू इंटू पाई बाई थ्री इंटू एन प्लस पाई बाई थ्री इंटू एन स्क्वायर। एन कोई इंटीजर आपको लेना है, अब ध्यान से देखो, एन यहाँ थ्री पे भी आंसर हो सकता था, सिक्स इसका मैंने पीरियड निकाला, इसका एन इज इक्वल टू थ्री भी एक पीरियड है, और थ्री इसका फंडामेंटल पीरियड होगा, उसका इंटीजर मल्टीपल पीरियड हो जाएगा। देखो अगर एन मैं थ्री लेता, मैं हमेशा एन की वो वैल्यू लेने की कोशिश करूंगा जहां से ये इवन मल्टीपल आप टू पाई बने, थ्री जैसे लेता ये थ्री थ्री कैंसिल टू पाई एन, और टू पाई एन हमेशा इवन मल्टीपल आप हमेशा क्या होगा, टू पाई, क्योंकि एन की वैल्यू वन लोगे तो टू पाई, टू लोगे तो फोर पाई, थ्री लोगे तो सिक्स पाई, और एन की वैल्यू जब यहाँ थ्री लेता तो यहाँ आता नाइन, थ्री थ्री कैंसिल तो यहाँ आता थ्री पाई। ये तो इवन बन गया, लेकिन ये इवन बना क्या, नहीं बना, तो ये थ्री वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए एन इज इक्वल टू थ्री पे ये पीरियोडिसिटी नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये आता साइन पाई बाई थ्री एन स्क्वायर प्लस टू पाई एन, टू पाई एन प्लस आता थ्री पाई। अब इसको मैं लिखता अगर तो आता साइन पाई बाई,